हाय गाइज, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मेरा गूगल एडसेंस का जो वेरिफिकेशन पिन होता है वो मेरे घर पर रिसीव हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना जल्दी मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन को ऑन कराया और उसके बाद ही ये मेरे घर पर रिसीव हुआ है गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कितने दिन बाद आपके घर पर रिसीव होगा और इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कैसे होता है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। अगर हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पे शो कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए आपके चैनल पे ना मोनेटाइजेशन इनेबल होने चाहिए। जैसे मोनेटाइजेशन इनेबल होंगे उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होंगे। जैसे $10 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वहाँ पे एक्शन बटन मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि $10 से पहले भी मिल जाता है, जैसे कि मेरे को भी $9 पे ही मिल गया था। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, जैसे $10 कंप्लीट होता है, एडसेंस में अपडेट होता है, उसके बाद वहाँ पे एक्शन बटन मिलता है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखा है जिसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को कैसे एडसेंस पिन को अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको सिंपली अप्लाई करना होता है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। वहाँ पे जाके एड्रेस फिल करके अप्लाई पे क्लिक करना होता है, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि मतलब 2 से 4 वीक के अंदर आपके घर पे जो एड्रेस आप डाले रहेंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा गूगल एडसेंस का जो ये पिन दिख रहा है, ये पिन रिसीव हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं मेरे घर पर कितने दिन पर रिसीव हुआ, तो मैं 8 जुलाई को अप्लाई किया था और 19 जुलाई को रिसीव हो गया। अगर इसकी बात कर लें कि इसके अंदर क्या होता है, पिन कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको साइड से यहाँ से खोलना होता है, यहाँ पे फाड़ के और खोलना होता है। खोलने के बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो पिन दिख रहा है 6 डिजिट का, इसी पिन को 6 डिजिट का पिन को वहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होता है, जो कि आगे इस वीडियो में हम लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताया है कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे इसको वेरीफाई करना है, स्टेप्स, और यहाँ पर 6 डिजिट का पिन, इसी पिन को वहाँ पर एंटर करके और आपको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि 3 बार से ज़्यादा गलत अटैम्प्ट न करें। अगर 3 बार ज्यादा गलत अटेम्प्ट करते हैं तो ए पिन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको या तो ईमेल आईडी पे, आधार कार्ड से, किसी अदर वे से वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना होता है। तो थोड़ा सा वहां पे आप केयरफुली सारी चीजों को कंप्लीट करें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और लाइव सारी चीजों को देखते हैं कि कैसे इसको हम पिन को वेरीफाई करते हैं। तो फाइनली अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली गूगल में जाकर लिखना है एडसेंस लॉगिन। जैसे इतना लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना गूगल एडसेंस लॉगिन, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके लिए सिंपली ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे सिंपली नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई और डिसमिस, तो आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद से आपको गूगल एडसेंस का जो पिन रिसीव हुआ है पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो यहाँ पे मांगा जाएगा। चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक के यहाँ पे देखिए बोल रहा है योर पिन, यहाँ पे वही पिन डालना है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे पहुँचा है। यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है, 6 डिजिट का पिन होता है और नीचे लिखा हुआ है ना, मतलब कि 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर कोशिश करते हैं, गलत डालते हैं पिन, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर से गूगल एडसेंस वाले पिन भेजते हैं, तब जाके वेरीफाई करना होता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली ध्यान से पिन को एंटर करें, सही से देख लें, उसके बाद 6 डिजिट को पिन को एंटर करें। जैसे एंटर कर लेते हैं, चलिए हम पिन को एंटर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। फाइनली हमने पिन को यहाँ पे एंटर कर लिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे हमने पिन को एंटर किया, यहाँ पे सबमिट का जो बटन है इनेबल हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे बोल दिया कि आपका वेरीफिकेशन जो है कम्प्लीट हो चुका है। जैसे वेरीफिकेशन यहाँ पे कम्प्लीट हुआ और उसके बाद जब स्क्रॉल करके आप ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे अभी आ रहा था ना योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, ये चीज़ हट जाएगा। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, ये चीज़ें हट जाएगा। चलिए हम पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये चीज़ें हटता है या नहीं हटता है, क्योंकि ये इसी वजह से था, क्योंकि हमारा जो एड्रेस था वो वेरीफाई नहीं हुआ था, इसलिए हमारा जो पेमेंट था उसको होल्ड पे डाला हुआ था। जैसे यहाँ पे पेज को हम वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया, उसके बाद जो एरर था जो रेड कलर के पट्टी पर था, योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, वो चीज़ें यहाँ से रिमूव हो गया है। इसका मतलब कि हमारा जो एडसेंस का पिन है, गूगल एडसेंस का, वो पिन फाइनली वेरीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान स्टेप है इसको कंप्लीट करने के लिए।